इफ्तार करेंगे, जितना भी आप हमें तशद्दुद करेंगे हम उतना इस मूवमेंट को तेज़ बढ़ाएंगे। मैं इस्लामाबाद की तमाम आवाम से अपील करती हूँ कि वो आए इस मूवमेंट में हमारा साथ दे, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब में हमारे जितने भी साथी थे उन सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। हम यहाँ खामोशी से बैठे हुए थे, औरतें बच्चे सो रहे थे, वो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र तय करके आए थे, उनको नींद से जगाया गया जब हमारे मेल साथियों को ये लोग ट्रकों पे लाद कर जो है ना अपने जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि इस रियासत में बलोच का हक, बलोच के पुरअमन जदोजहद के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। हम फिर से यही कहना चाहते हैं कि हम कोई वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम पुरअमन एहतजाज को जारी रखेंगे। अगर ये रियासत हम पर तशद्दुद करेगी तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। मैं बलोचिस्तान के आवाम से ये अपील करती हूँ कि वो जिस शहर में है, जहाँ पर भी है, वो इस फाशिस्ट पुलिस के खिलाफ, इस फाशिस्ट रियासत के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ इनेकाद करें और इनको ये पैगाम दे कि ये माएँ और बच्चे अकेले नहीं हैं, इनके साथ पूरा बलोचिस्तान खड़ा है। जहाँ जहाँ से ये लोग होकर गुजरे थे, जिस तरह आप लोगों ने वहाँ उनका इस्तकबाल किया, उस तरह आप लोगों ने यहाँ पर भी उनका साथ देना है और इस जदोजहद को जारी करना है। हमारे बेशतर साथी उनके गिरफ्त में हैं और अब यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अगर हम वहाँ जाएँगे जहाँ हमारी औरतें और बच्चे बैठे हुए हैं, वो उस जगह को भी उन्होंने घेर कर रखा हुआ है। मतलब अब इस्लामाबाद भी हमारे लिए नो गो एरिया बन गया है। क्या हमने इतना बड़ा सफ़र इसलिए तय किया था कि यहाँ पे हमारे साथ तशद्दुद हो? जो लोग खामोशी से बैठकर आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि आप इस रास्ते को खोलेंगे, लेकिन आपने इस रास्ते को नहीं खोला। आपने साबित किया कि आपकी रियासत जो है ना फाशिस्ट है। यहाँ पे औरतों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए जिनके प्यारों को आपने जो है ना अगवा किया, सिर्फ एजेंसी नहीं है, आप सबके सब मिले हुए, आप सबके सब बलोच दसल खुशी में आप सबके सब का हिस्सा है।